बैतूल के भैंसेही में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर क्षेत्र के आदिवासियों ने एकजुट होकर कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय मंगल भवन में आदिवासी समाज के क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम ने सबसे पहले बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और समाज का झंडा वंदन करने के बाद जयस्तंभ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासी दिवस पर शासकीय अस्पताल को अवकाश घोषित किया था, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम साधारण रूप से मनाया जा रहा है। वहीं रामू टेकाम ने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जो हमने 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस एक साधारण से साधारण रूप में मनाया और साथ ही कोरोना को देखते हुए जो शासकीय नियमों का पालन करते हमने आज का जो कार्यक्रम साधारण रूप में उस आज के कार्यक्रम में मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों को, मेरे पूरे विधानसभा के जिले के सभी को, आदिवासी भाइयों को, सभी क्षेत्रवासियों को मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो आज आदिवासी विश्व दिवस के रूप में एक पर्व के रूप में सभी लोग आज अपने अपने गाँव में इस पर्व को मनाएंगे। आदिवासी दिवस का मुख्य उद्देश्य है पूरे पर्यावरण की रक्षा करना, सृष्टि की रक्षा करना, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, ताकि इस पृथ्वी में रहने वाले प्राणी, पशु पक्षी और सभी मानव समाज के लोग सुरक्षित रहे। और आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए उनके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आरक्षण और ऐसे विषय जो लगातार विस्थापन करके उनको जल जंगल जमीन से बेघर करना, उसकी लड़ाई लड़ना और मौलिक अधिकारों को हम संविधान के तहत कैसे प्राप्त करें और भारत देश में रहने वाले और विश्व में रहने वाले सभी धर्मों को हम साथ में कैसे आगे ले चले और शांतिपूर्ण तरीके से हम देश को और विश्व को कैसे विकास की ओर आगे ले चले, यही विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है।